तो स्टूडेंट सीडीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अब आपके पास लास्ट वीक है। लास्ट वीक किसी भी एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट वीक आपका माइंडसेट जैसा होगा उस पे आपका एग्जाम बहुत डिपेंड करता है। आप सब लोग जुड़े हुए हैं इम्पीटस गुरुकुल से, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि लास्ट वीक में आप लोग क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है करें और क्या नहीं करें, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग कि क्या करा जाए कि आप रिटर्न में एक अच्छा स्कोर कर पाए, कट ऑफ भी निकाल पाए, इंडिविजुअल भी और ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल पाए। दूसरा, अगर आपका ड्रीम, देखिए आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने एनडीए दिया था और बाई चांस नहीं हो पाया किसी भी वजह से, या सीडीएस दे के भी पहली बार या दूसरी बार में नहीं हो पाया। हर तरह के स्टूडेंट हैं जो सीडीएस दे रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहूंगा कि पास्ट को भूल के नए सिरे से अगर आप सोचेंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नंबर वन थिंग कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है हमको, क्योंकि जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में मैथ्स का लेवल 11th 12th का होता है, पर जब हम बात करते हैं सीडीएस की तो मैथ्स का लेवल 9th 10th लेवल पे आ जाता है। यानी ये एक पहला डिफरेंस है। पर एनडीए और सीडीएस में अगर कोई दूसरा डिफरेंस देखें तो जनरल अवेयरनेस या जीके पर है। अगर जीके का लेवल देखें तो एनडीए में बेसिक लेवल पे है, पर एनडीए सीडीएस में एडवांस लेवल पे, क्योंकि यूपीएससी करता है, दोनों ही यूपीएससी है, पर लेवल एडवांस होता है क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो आपका अवेयरनेस लेवल ज्यादा होता है ये मानते हुए। इंग्लिश लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है, पर फिर भी कंपेयर टू एनडीए अगर देखें तो सीडीएस का इंग्लिश का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है लास्ट वीक हम वो समझें, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीक एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन की तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो 8 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं उसमें एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, आपका ड्रीम क्या है, आप आईएमए में जाना चाहते हो, मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हो, नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो या ओटीए में जाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपने किस किस के लिए अप्लाई किया। अगर आप केवल ओटीए के लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश और जीके ही देने वाले हैं, पर अगर आप ऊपर की तीनों फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट देना है। गर्ल्स के साथ देखें तो गर्ल्स के लिए जो अभी सीट्स ओपन है वो ओटीए में होती है, यानी उनको मैथ्स पर वर्क नहीं करना होता है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या करा जाए, लास्ट वीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक। अगर आप मेरी बात मानेंगे लास्ट वीक में तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो आप बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ निकलेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि एक ही दिन में आपको तीन पेपर देने हैं, और एक ही दिन में तीन पेपर देने और 1-1 आर के डिफरेंस पे देने, ऐसे में साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं हुए तो आप हो सकता है कि संडे को पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट ना कर पाए। तो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली तीनों चीजें यहां पर लगती हैं, और वैसे भी वही कैंडिडेट एनडीए के लिए सही है या सूटेबल है जो इन तीनों चीजों में खरा उतरता है। तो अब सबसे पहले बात करता हूं कि जो लास्ट वीक है आपके पास, लास्ट वीक में आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अगर इन 5 डेज में हो सकता है तो एक ही काम करना चाहिए आपको कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, और बिल्कुल उसी टाइम के हिसाब से करें कि 9 to 11, फिर 1 आवर का ब्रेक लिया, फिर 12 to 2, फिर 1 आवर का ब्रेक लिया, फिर 3 to 5। और अगर आप मैथ्स एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए आप सपोज गर्ल्स हो आप, तो आप मैथ्स के लिए नहीं हो, तो आप इन दो पेपर को उसी टाइम के लिए करें, और लगातार 4 दिन तक, एटलीस्ट थर्सडे तक तो ये काम जरूर करें। इसलिए कि अगर आपने ऐसा लगातार 4 दिन किया तो 2 बातें होंगी। एक, नंबर 1 कि आप इनडायरेक्टली जब पुराने पेपर सॉल्व करते हो, ट्राई ये करना है कि 2 आवर में 1 पेपर नहीं, 2 या 3 पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वो ओल्ड पेपर है, आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। यानी आपको ट्राई ये करना है कि तू दो घंटे में इंग्लिश के कम से कम 300 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, यानी 3 पेपर पुराने, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैं पहले भी बोला हुआ। यही बात जीके पे, जीके में मैं बोलूंगा कि करंट अफेयर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा पीछे के पेपर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट 1-2 पेपर्स ही देखें, या फिर करंट न्यूज जो आपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन करें, पर पेपर सॉल्व करने रहेंगे। और बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे। यानी ये जो 2 सेक्शन है इनके लिए प्रीवियस ईयर सबसे अच्छा समय। दूसरा, इसके अलावा अगर कोई चीज है, आपको पता है कि मैथ्स पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड ही होता है, तो 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें जीके में तो हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, इस सब के लिए भी 6th to 10th की ही आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो यूजफुल होती हैं। इंग्लिश भी काफी बेसिक लेवल्स पे होता है, पर उसके लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो फायदा होगा। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि लास्ट 1 वीक में एटलीस्ट 3 to 4 डेज एक्चुअल टाइम पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो, बट सिंगल पेपर नहीं करना। ये बात बहुत ध्यान रखिए,
टू और थ्री पेपर्स का सेट एक साथ लेके करना है, क्योंकि वो पेपर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो वो पेपर आपके लिए पुराना है, और देखे हुए पेपर को अगर आप कम समय में करेंगे तो इसका फायदा फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। दूसरी बात, आपको ये बात पता है कि अगर हम एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो लगभग हमें 300 में से ऑलमोस्ट 140 से 150 के आसपास स्कोर करना है, या अगर हम केवल ओटीए के लिए सोचते हैं तो एटलीस्ट 90 स्कोर करना है, पर इंडिविजुअल भी सभी पेपर में आपको 20-20 प्लस करना है। तो किसी एक में अगर आपको लगता है वीक है तो वहां भले ही कम करें पर बाकी दूसरे में ज्यादा स्कोर करें। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 40-40 क्वेश्चन तो आपको तीनों सेक्शन में करने ही चाहिए, क्योंकि 40-40 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो एक कट ऑफ की बात हो गई। अब 40 के ऊपर जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो मैथ पे वर्क करें, इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश पे करें, जीके स्ट्रांग है तो जीके पे वर्क करें, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी क्रॉस करना है। पर सारी चीजें याद रखिएगा पेपर के ऊपर डिपेंड करती है, तो कोई भी चीज माइंडसेट करके मत जाइए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता उसको नहीं करेंगे, नंबर वन थिंग, पहली एक चीज। दूसरा, सिंपल टू टफ ऑर्डर में ही जाएंगे। मैथ्स में स्पेशली मैं बोलूंगा लास्ट टाइम में अगर किसी चीज पे ज्यादा वर्क करना चाहिए तो वो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो ये एक चीज आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश में अगर आप पैसेज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वोकैबुलरी को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जीके में करंट अफेयर्स के अलावा आप हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जो है ये पुराने पेपर्स के ही काम में आएंगे, ये क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। केवल करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो जीके भी आपको पुराने पेपर्स में बहुत आपकी हेल्प करने वाली है, तो ये चीज याद रखिए। दूसरा, नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें आज की डेट तक, ये सेशन जब आप सुन रहे हैं जितना पढ़ा है उस पर स्टॉप हो जाएं, क्योंकि उसका एक शॉर्ट रिवीजन का बहुत महत्व है। अगर आपने अगर उसका शॉर्ट रिवीजन नहीं किया तो आप पेपर में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपको दो तीन चीजें करनी है कि संडे से लेकर थर्सडे तक एटलीस्ट 2-2 आवर की सिटिंग लेनी है, और वो भी वही टाइम पे जो पेपर का टाइम है। दूसरा, एक घंटा जो बीच में मिलता है उस एक घंटे में जो वहां करने वाले वो यहां करें, तो उसमें क्या करना है वो बात दिमाग में रखिए। नंबर वन थिंग कि पेपर के बाद कभी भी निकल के किसी भी स्टूडेंट से, आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, पेपर को लेकर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये एक डिस्कशन कई बार हमारे अगले पेपर को बिगाड़ देता है, इस बात पर बहुत फोकस रहिए। ये बात मैं बहुत आपको बोल रहा हूं और मैंने देखा है क्या होता है जब हम निकलते हैं और हम कई बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका एक प्रेशर अननेसेसरी बिल्ड होना चालू हो जाता है। पूरे तीनों पेपर के बाद बकायदा आप चेक करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब तक कि पूरे तीनों पेपर ना हो जाए कोई बात मत करिए। कोई पूछेगा पेपर कैसा गया, मुंडी हाँ में ला दो, अच्छा गया इतना बोल के ही आप शांत हो जाओ, क्योंकि उस एक घंटे में आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है, कोई ना कोई फ्रूट आप अपने साथ रखें, एप्पल, ऑरेंज, मौसमी या केले, कुछ भी आपको एक दो फ्रूट खाना है, चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं तो ले सकते हैं, और 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठना है। और ये नहीं सोचना है कि पिछले पेपर में क्या सही क्या गलत किया है, बल्कि ये सोचना है कि अगले पेपर में हम क्या करने वाले हैं, और ये एक्टिविटी ये हैबिट आपको अगले 4-5 दिन करना है। दूसरा, पेपर के समय आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहता है, वही चीज आप यहां पर भी फॉलो करें। आप इन अगले 5-6 दिन में अगर आपने एक और सैटरडे को कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सैटरडे का दिन बिल्कुल जीरो डे होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन आपने ब्रेन को 100% रेस्ट नहीं दिया तो संडे को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक लंबी दौड़ के लिए पीछे से दौड़ना होता है, वही चीज है यहां पर। तो आपने जो पढ़ा है उसके बेस पर ही अगर आप पेपर देने की कोशिश करेंगे, देखिए समझिए, अगर आप तीनों पेपर में मिला के या दो पेपर में मिला के 50% प्लस स्कोर करते हैं, इज मींस या 50 भी स्कोर करते हैं तो आप डायरेक्टली एयरफोर्स के लिए तक एलिजिबल है, 50 से कम में हो जाता तो आप एक बात समझिए कि 50% आपके पास एक बैकअप है, यानी 50% पेपर सॉल्व करना है तो 50% छोड़ना है। अब इसको मैं ऐसे नहीं देखता, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 60% के आसपास पेपर सॉल्व करना है, 5-10% के आसपास रॉन्ग हुआ तो लगभग 45% प्लस करेक्ट होगा, तो हम एक अच्छे स्कोर कट ऑफ की तरफ जा सकते हैं, और पॉसिबल हो तो कोशिश करिए 65-70, यानी आपके पास किसी भी कंडीशन में 30% को स्केप करने का स्कोप होता है। अब वो 30% वो होना चाहिए जो क्वेश्चन लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है या जिनमें आपको कंफ्यूजन है।
सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही किसी एग्जाम में सिलेक्शन करवाता है। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है तो कई बार आप बहुत होशियार होते हुए भी, अच्छा करते हुए भी पेपर में रिजेक्ट हो जाते हो। और इसमें कहीं पे भी निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि अगर आपने पहले पेपर दिया तो हो सकता है यही वजह रही हो, आप वो काम नहीं करना है। कोई क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना मतलब अगला एक क्वेश्चन कम होना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो मैं हमेशा बोलता हूं रिसॉल्व नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ जाना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हमेशा देखिए, टफ क्वेश्चन के बीच में सिंपल और सिंपल के बीच में टफ छुपे होते हैं। तो चार सिंपल के बाद एकदम टफ आ गया, हम उसी लॉजिक में सोचते हैं ये भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं। पर वो करने में अगर आपका दो मिनट चला गया तो क्या होगा? आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए यहां पर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मिनट मिलता है, बल्कि यहां पर तो मैं बोलूंगा क्योंकि आपके पास दो घंटे, 120 मिनट है एक क्वेश्चन, यहां पर भी 120 मिनट, और यहां पर आपके पास जरूर टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, 100 क्वेश्चन है और मैथ्स में, और क्वेश्चन 100 आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स सभी के 100 है, पर दो घंटे मिलते हैं तो एक मिनट से थोड़ा ज्यादा, पर मैथ्स क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो हम मान के ही चलें कि एक मिनट ही मिलता है। ऐसे में अगर हम ये दिमाग में रखेंगे कि हमने 30% पेपर नहीं करना है, 70% करना है, तो क्या होगा उसका फायदा कि आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बढ़ेगा। एंड याद रखिए, मोर अटेम्प्ट लेस एक्यूरेसी, लेस अटेम्प्ट मोर एक्यूरेसी। अगर आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती, इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी मेंटेन करना। कई बार बच्चे 90 क्वेश्चन करते हैं और 90 में से मान लीजिए सपोज 60 राइट है और 30 रॉन्ग है, ये ज्यादा खतरनाक है। आप 70 ही अटेम्प्ट करें वो ज्यादा अच्छा है, और 70 में से 5-10 गलत भी हो जाए तो चलेगा, इस बच्चे का नेट स्कोर कंपेयर टू दिस स्टूडेंट इज मोर देन। यानी एक स्टूडेंट कम अटेम्प्ट करके ज्यादा स्कोर लाता है और एक कम ज्यादा करके कम लाता है। तो आपको अपने इस बात को ध्यान रखना है, आप डिफेंस के साथ से सोचो, आपको एक्शन लेना आना चाहिए। अगर इस पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव माइंड के साथ आप पेपर देंगे तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और सारी चिंताएं छोड़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचना चाहिए। पेपर देते समय एक चीज सोचना, जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता नहीं करेंगे। गैसिंग वर्क जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो, नो गैसिंग, जीरो गैसिंग के साथ पेपर सॉल्व करेंगे। फिर उसमें दो चार गलत हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना फेवरेट सब्जेक्ट, अपने फेवरेट टॉपिक्स को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जो पोर्शन कम आता है उसको सबसे बाद में करिए। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को बिल्कुल दिमाग में रख के चलिए, और ये सब काम आपको अगले 4 दिन करना है, नया पढ़ने की जगह। ये 4 दिन आपने अगर एक्टिविटी एक्चुअल में कर ली तो होगा ये कि जब आप संडे को पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ये एक सिचुएशन पेपर के पहले किसी स्टूडेंट की क्लियर होती है, वो स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एग्जाम में फेल हो जाए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।